राधे राधे दोस्तों। दोस्तों अगर आपको भी अपने भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, आप भी धन के लिए परेशान हैं, बच्चों के कैरियर के लिए परेशान हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, घर में शांति नहीं है, पूजा पाठ कर करके थक गए हैं, तो क्या आपने ध्यान किया कि आप किस बत्ती का आप अपने मंदिर में दीपक जलाते हैं, वो बत्ती कैसी लगा रहे हैं आप दीपक लगाते समय? कहीं वो बत्ती तो आपके भाग्य को नहीं बिगाड़ रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आपको पूजा में किस तरह की बत्ती का यूज करना चाहिए, किस बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों मैं आपकी यशोदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों मैं डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, आप वो वाला वीडियो मेरा आज अब से 12 बजे दोपहर में अपलोड होगा, आप प्लीज उन्हें करना शुरू करिए। 50% आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई उपाय नहीं है, मात्र 2 प्रयोग है, वो भी फ्री के, कुछ नहीं करना, एक शब्द लिखना और एक आपको उपाय जो कि नहाने का या खाने का है। इजी उपाय है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, पूजा पाठ ना भी करते हो तब भी आपको उनको जरूर करना चाहिए। दोस्तों हम पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं लेकिन फिर भी भाग्य का साथ नहीं मिलता है। जो हम अपने पूजा में दीपक जलाते हैं, अगर हम सही विधि से अपना दीपक नहीं जला रहे हैं तब भी हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती है। जैसे आप घर के मंदिर में आप दीपक जलाते हैं और आप उसमें अगर रुई की लेटी हुई बाती जला रहे हैं तो आपको कभी भी अपने भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो हमेशा आपको लाल कलाबी की ही बाती लगानी चाहिए घर के मंदिर में। आप भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं और वहां पर आप अगर आपको धन की कामना है तो एक गोल बाती वाला दीपक ले जाइए शुद्ध देसी घी का, एक आप धूप बत्ती ले जाइए और साथ में ले जाइए आप चीनी का या गन्ने का रस, या तो चीनी घोल के पानी में ले जाइए या गन्ने का रस ले जाइए। अपने संकल्प लेने के बाद अपनी इच्छा मनोकामना बोलकर नमः शिवाय का जाप करते हुए शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर रख दीजिए, साथ में धूप बत्ती भी जलाइए, थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, उसके बाद जो आप गन्ने का रस ले गए हैं या चीनी का पानी बनाकर ले गए हैं उसमें चीनी ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, नमः शिवाय का जाप करते हुए उस शिवलिंग पर अर्पित करते जाइए, सादा जल चढ़ाइए, बेलपत्री है आपके पास, धतूरा है वो भी अर्पित कीजिए, उसके बाद आप शुद्ध साबुत अक्षत चढ़ा दीजिए और भोलेनाथ से आराधना कीजिए। लगातार ये हर सोमवार भी आप करना शुरू करेंगे ना तो आपके लिए लक्ष्मी जी अपना द्वार खोल देंगी, माता माँ लक्ष्मी के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे, आपका जॉब बिजनेस व्यवसाय सब कुछ चलने लगेगा, जीवन में धन आगमन के स्रोत खुल जाएंगे, यानी कहने का मार्ग खुल जाएंगे आपके। आजमाकर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप नारायण की आराधना कर रहे हैं तो आप गोल बाती का दीपक लगाइए अपने घर के मंदिर में, लेकिन उस बाती के ऊपर या तो रोली लगी हो या हल्दी लगी हो, इस बात का विशेष उपाय ध्यान रखना चाहिए, बाती पूरी सफेद नहीं होनी चाहिए, या तो उसके ऊपर रोली या फिर हल्दी उस दीपक को जलाइए, देखिए नारायण की प्रार्थना तुरंत स्वीकार होगी। ऐसे ही दोस्तों अगर आपका शुक्र खराब है तो आप किसी भी मंदिर में गोल वाली बातियां घी में डिप करके, घी के अंदर डुबाकर ये बातियां आप किसी भी मंदिर में देना शुरू कर दीजिए। मंदिर में जब वो दीपक जलना शुरू होगा धीरे धीरे आपके शुक्र अच्छा आपका होने लगेगा। आप पितरों के निमित्त दीपक जलाते हैं, आपसे पितर आप किसी ने आपको पितर दोष बताया है और आप अपने घर के पानी के पास में आप दीपक जला रहे हैं तो दोस्तों भूल कर भी आप वहां पर गोल वाली बाती नहीं जलाएंगे, आपको हमेशा लेटी वाली बाती ही जलानी चाहिए और उसका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। जब भी आप पितरों के निमित्त दीपक जलाएं तो लेटी बाती जलाएं और उसका मुख दक्षिण की तरफ होगा तभी वो दीपक स्वीकार होता है, अन्यथा वो दीपक आपका स्वीकार नहीं होता और पितर भी आपसे नाराज होते हैं। ऐसे दोस्तों शनि देव के निमित्त अगर आप दीपक जलाने जा रहे हैं तो हमेशा लेटी बाती का दीपक लगाइए और रुई की बाती का दीपक लगाइए, और लेटी बाती का बाती का मुख होना चाहिए पश्चिम की ओर यानी कि वेस्ट की ओर, तभी वो दीपक आपका स्वीकार होता है। दोस्तों बहुत अधिक आपको परेशानी है, बहुत अधिक संकट है तो डेली आप शाम के समय जो भी आप अपना दीपक लगाते हैं कलावे की बाती का लगाइए, स्टील के दीपक में आपको दीपक कभी नहीं लगाना चाहिए, किसी भी धातु का यूज करिए, मिट्टी का करिए, पीतल का करिए, चांदी का करिए, लेकिन स्टील का दीपक भूल कर भी अपने घर के मंदिर में इस्तेमाल मत कीजिए। डेली आप कलावे की बाती का दीपक जलाइए, एक चुटकी उसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए और जब आरती करें तो उसमें छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी डाल दीजिए।
माता माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करने के बाद जब इस दीपक से आप आरती करेंगे डेली शाम के समय और फिर पूरे घर में घुमाएंगे, तो ये भी आपके दरिद्रता योग को भंग करता है, आपके घर में माता माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए मार्ग खोल देता है। दोस्तों, अगर बहुत अधिक कष्ट है आपको, तो आप किसी भी पूर्णिमा को या अमावस्या को माता माँ लक्ष्मी के निमित्त आप तुलसी की लकड़ी, अगर आपके घर में भी लकड़ी सूख गई है तुलसा जी की, तो उसकी 7 डंडियां ले लीजिए। उन 7 डंडियों पर आप रुईयां लगा दीजिए, सब पे रुई लगा दीजिए, इनको एक कलावे से बांधिए और ये 7 बत्ती का दीपक आप माता माँ लक्ष्मी के निमित्त जला दीजिए। आपको लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी, धन आगमन के आपके मार्ग खुल जाएंगे और इसके साथ ही आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। अगर आपके पास तुलसी की लकड़ी सूखी हुई रखी है तो दोस्तों उसे धोकर साफ करके सुखाकर पीस लीजिए, गोपी चंदन में इस पाउडर को मिला दीजिए, उसके बाद नियमित इस चंदन से आप नारायण को तिलक कीजिए, यानी कि भगवान विष्णु को आप तिलक करना शुरू कर दीजिए, कान्हा को तिलक करना शुरू कर दीजिए, भोलेनाथ को नहीं करना है आपको, गजानन भगवान को नहीं करना है, नारायण को कीजिए, माता माँ लक्ष्मी को कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा तिलक अपने गले पर, अपने हृदय पर और अपने मस्तक पर भी लगा लीजिए। आपको भी गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होगी, नारायण की कृपा प्राप्त होगी, माता माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, छोटे छोटे से नियम अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, एक विशेष बात दोस्तों, बहुत सारे घरों में ना तो सुबह के समय दीपक जलता है ना शाम के समय, अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये आप अपने ही हाथों से अपने भाग्य का आप बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी रूप में कुछ भी हो जाए, आपको सुबह के समय और शाम के समय अपने घर में ज्योत जरूर जलानी चाहिए। ज्योत जलाने से आपके घर में बृहस्पति की ऊर्जा क्रिएट होती है, बृहस्पति ग्रह जो कि आपके भाग्य का और आपके धन का कारक होता है। जब बृहस्पति की ऊर्जा क्रिएट होती है तो सभी के जो बुद्धि है वो सही तरीके से काम करती है, बच्चों और माता पिता के बीच में संबंध खराब नहीं होते हैं, बच्चे उस परिवार के कभी नहीं बिगड़ते हैं, कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन की किसी ऐसी समस्या से, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों का करियर सेट नहीं हो रहा है, आपको किसी तरह की कोई समस्या है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, घर का वास्तु खराब है, कोई भी समस्या हो, पति पत्नी में नहीं बन रही है, बात डिवोर्स तक पहुंच गई, सभी समस्याओं के लिए आप उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510, इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण। इसके अलावा दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जानना चाहती हूँ, क्योंकि संडे को मैं कमेंट सेक्शन लेती हूँ, तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना वर्क प्लेस लिखकर, एक क्वेश्चन लिखकर आप सेंड करिए, संडे वाले वीडियो में सिलेक्ट होने पर आपको वहाँ उसका आंसर जरूर मिलेगा। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी मेरे करना शुरू करिए दोस्तों, इतने चमत्कारिक लाभ हैं इसके कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ, क्योंकि मैं आपको हमेशा जागृत करना चाहती हूँ, ना भी आप कोई लंबी पूजा पाठ करते हो फिर भी आपको आपका भाग्य का साथ मिलता रहे, इसलिए तो मैं आपकी अष्टरोज दोस्त हूँ। धन्यवाद दोस्तों।